विधान जो दिख रहे हैं उसमें रुझान ऐसा है जिसमें इसमें कांग्रेस सरकार बनती नजर आ रही है। और देखिए जिस तरह से अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी मनीष वोरा जी से, उनका ये कहना था कि इसको पाटा नहीं जा सकता, और हमारे साथ में मनीष वोरा जी हैं और महेंद्र छाबड़ा जी हैं, दोनों मेहमान को हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले हम मनीष वोरा जी से समझते हैं, मनीष वोरा जी रुझानों में तो सरकार बनती नजर आ रही है और जो अंतर है सीटों का अंतर, मुझे लगता है रुझानों में ही उसे नहीं पाटा जा सकता। जी निश्चित रूप से गांधी जी, एक बहुत बड़ा अंतर, तीन गुना से भी ज्यादा का अंतर दिख रहा है, 65 और 19 बहुत बड़ा गैप है। मुझे लगता है कि यदि भाजपा वाले ये सोचते हो कि हम पिछले बार के थ्रू फिर 12 बजे के बाद जो है गेम करके सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है कि एक बड़ा टफ टॉस्क है। हालांकि एक चीज ये जरूर है गांधी जी की जो मतों का जो अंतर है कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच में, वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि ये स्थिति बने, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है और अभी वो वर्तमान जो परिस्थितियां दिखा रही हैं उसके हिसाब से वो चीज मुझे संभव नहीं लगती है। 2-4-5-10 सीट होती तो एक बार अपन उसको कर सकते थे, मगर मुझे अभी लगता है कि वर्तमान जो रुझान जो दिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार और अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनती है। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं, जिस तरह से हम बहुत सारी डिबेट पे चर्चा करते नजर आए कि अगर लहर हुई तो कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल कर दी जाएगी, क्या लहर से माना जाए? देखिए अभी शुरुआती तौर पर यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी गांधी कि कांग्रेस की एक तरफा लहर थी, क्योंकि अभी जो नतीजे आ रहे हैं मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे राउंड के नतीजे, मेरे ख्याल से 8 के आसपास राउंड होने हैं, तो अभी 5 राउंड और बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। हाँ, लेकिन एक बात ये जरूर है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में इस बार जो मुकाबला हुआ है उसमें कांग्रेस जो है बहुत सारी चीजों में, मैंने इसके पहले की डिबेट में कहा है कि कांग्रेस बहुत सारी चीजों में भाजपा से आगे रही है, चाहे वो घोषणा पत्र को लेकर रहा हो, चाहे वो आप ले सकते हैं प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर रहा हो, दोनों ही चीजों में कांग्रेस जो है प्लस रही है और भारतीय जनता पार्टी इसमें बैकफुट पर रही है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके अंदर में एक उत्साह देखने को मिला, और उस उत्साह सब कुछ जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा हुई भाजपा के जो कार्यकर्ता भाजपा के जो बड़े दिग्गज नेता थे उनके अंदर भी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद एक उदासीनता नजर आई, और इसका सीधा सीधा असर जो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा कि कार्यकर्ता भी जो है भाजपा का उतना उत्साहित उतना जोश में नहीं नजर आया जितना कि पहले नजर आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केडरदस पार्टी मानी जाती है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर विचार करना चाहिए। पिछले बार भी एक बहुत अलार्मिंग स्थिति थी कि जीते हारते हारते भाजपा जो है जीत के पास आई, तो मुझे लगता है कि भाजपा को अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए था और उसको परिवार लाना चाहिए था सुधार करने के लिए, अक्सर गुंजाइश रहती है। अच्छा अगर समझा जाए ये लहर है कांग्रेस की या सुनामी है? देखिए हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस की लहर चल रही है, और आज जब इस तरीके से देखा जाए तो आपके शब्दों पर इसको सुनामी भी कहा जा सकता है। हम लोग तो लगातार आज सुबह से कह रहे हैं कि कांग्रेस की आंधी छत्तीसगढ़ में चल चुकी है, अब इसको इस खाई को पाटने में कोई भी दल सामने नहीं आ सकता, बल्कि मेरे अनुमान से तो जो और छोटे दलों की संख्या जो अभी 5 और 6 बता रहे हैं वो और नीचे जाने की जाएगी, और कांग्रेस का जो है वो ग्राफ और मेरे को लगता है कि अभी बढ़ेगा, क्योंकि अब जो है वो 6वें राउंड की गिनती मेरी जानकारी में अभी चालू हो चुकी है। 6वें राउंड की गिनती से का मतलब ये होता है कि आधे के करीब वोटों की गिनती हो चुकी है, अब ये अंतर को पाटना जो है वो बहुत ज्यादा संभव दिखाई नहीं देता, इसलिए कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी ये तो सुनिश्चित है। पूरा इसमें अगर मुख्य वजह समझा जाए जो आपका घोषणा पत्र रहा, घोषणा पत्र में जिस तरह से आपने कहा कि कर्ज माफ बिजली हाफ, क्या ये मुख्य रहा मुद्दा? देखिए मुद्दे के साथ साथ में मैं एक बात और साधना चैनल में बताना चाहूंगा कि 19 दिसंबर 2013 को जिस दिन राहुल गांधी जी ने भूपेश बघेल को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, आज 5 वर्ष होने जा रहे, 4 दिन कम है, उस दिन से भूपेश बघेल ने जो आक्रामक शैली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बनाई, जो कार्यकर्ताओं को उत्साह जगाया, जो आंदोलन किए, जेल भरो आंदोलन, हमारे लिए आर्थिक नाकेबंदी हुई, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुए, हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया, हम लोगों ने संसद भवन का घेराव किया, लगातार जो आंदोलन 300 हम लोगों ने एक वर्ष में 250 से ज्यादा दिनों तक आंदोलन प्रदर्शन और कार्यक्रम बनाते रहे, उसका परिणाम भी कार्यकर्ताओं में उत्साह जागा, उससे वातावरण बना। उसके बाद जब ये घोषणा पत्र आया, हम लोगों ने जो किसानों के प्रति जो अपनी बातें रखी, जो हम लोगों ने महिलाओं के प्रति अपनी बातें रखी, किसानों ने हम लोगों को हाथों हाथ लिया, क्योंकि आम जनता के मुद्दों को कांग्रेस ने जिस तरीके से उठाया
तो आम जनता को यह महसूस होने लगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी है, हमारी बातों उतर रही है। किसानों ने भरोसा दिलाया, किसान धान बेचना बंद कर दिए थे, इससे हम लोग स्पष्ट हो गया था कि किसान जो है इस बार जो है अन्नदाता हम लोगों को वोट डालेंगे, क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि जो बातें कांग्रेस पार्टी ने की है उसका वो परिपालन करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोगों को जो भरोसा और जो विश्वास व्यक्त किया गया उसको हम लोग जो है उस पर खड़े उतरेंगे। जनता ने तो विश्वास किया है, जनता ने बीजेपी में भी विश्वास दिखाया था, मतलब कुल मिलाकर जो विश्वास है उस विश्वास पर खड़े उतरने की भी कोशिश, भरसक कोशिश होनी चाहिए, जो बात आप घोषणा पत्र के जरिए करते नजर आए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास तीसरी बार फिर से व्यक्त किया था उन्होंने विश्वासघात किया। आप देखिए राज्य की सरकार शराब बेच रही थी महिलाओं के लिए, ये कमोबेश स्थिति तो आपके लिए नहीं, नहीं नहीं हमारे किसी राज्य में शराब बेचने की स्थिति नहीं हुई। शराब बेचने से महिलाओं ने नाराजगी आई, शराब बेचती है सरकार दिल्ली में, सरकार बेच रही तो शराब हमारी सरकार हमारी बाहर हो गई, जनता ने बाहर कर दिया, इसीलिए बाहर किया कि हमने गलती की। यदि ये गलती कर रहा जिनको भी जनता ने बाहर कर दिया, जो जो ऐसी गलती करेंगे इस तरीके से उन लोगों को जनता बाहर कर देगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब कोई भी अगर सरकार गलती करती है तो जनता उस गलती का सबक सिखाएगी, नतीजे बता रहे जी। निश्चित रूप से गांधी जी ये जो स्थितियां हैं और जो परिणाम सामने दिख रहे हैं अभी वर्तमान स्थिति में, वो लोग इस तरह से इशारा कर रहे हैं कि यदि आप कहीं भी जनता के वादों के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम दिखेगा। और ये चीज जो है, देखिए छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा जो है वो कभी रिएक्ट नहीं करती आई, छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा साइलेंट रही है और साइलेंट रह करके वो जो है अपना जो रोष है वो मत के माध्यम से प्रकट करती रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके से जनता का रोष हो सकता है, जो लगातार पिछले 15 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके जो मंत्री हैं जिस तरीके से उनका आचार विचार व्यवहार था, उनके जो नेता थे उनका जो आचार विचार व्यवहार था, मुझे ऐसा लगता है कि ये और कहीं ना कहीं जाकर के उसका जो मेन था बीजेपी का जो मेन वोट बैंक था जो मिडिल क्लास भाजपा को वोट करता है उनके भी हितों पर पता लगा था भाजपा ने किया है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, दोनों ही सरकारों सीधे सीधे टारगेट जो है मिडिल क्लास को बना गया। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास का जो एक भाजपा का स्पष्ट वोट बैंक था वो धीरे धीरे उनके हाथ से खिसकता जा रहा है। और छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है जहां गांधी जी, मैं बताना चाहूंगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने जिस तरीके से धक्के रूप में लिया था वो मुझे लगता है कि कांग्रेस का इमरजेंसी के समय भी यहाँ से अधिक सीटें कांग्रेस को ही मिली थी। मैं वही चीज बोल रहा हूँ गांधी जी की छत्तीसगढ़ जो है वो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। अलग बात है कि पिछले 3 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, उसका कारण क्या है जो भी रहा हो, मगर कांग्रेस ने सजा रख दिया सत्ता को, मेरा यही समझा जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कभी भी, मैंने जो अपना ओपिनियन है, कांग्रेस कभी भी जो है वो ऐसे नहीं आती, कांग्रेस अपने कारणों से आती। कांग्रेस के जो वो है जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता है वो जिस तरीके से विभिन्न धर्मों में बढ़ करके जिस तरीके से वो करते हैं तो उसकी वजह से कांग्रेस हारती, कांग्रेस कभी भी हारने की स्थिति नहीं। तो छत्तीसगढ़ तो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और ये चीज आप देखिए अभी दिख रहा है कि पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ के हर जिले में जो है कांग्रेस परफॉर्म कर रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसमें एक बार महेंद्र जी आपसे मैं समझना चाहूंगा कि योगी जी को आपने अलग किया, एकदम ठोस कदम उठाया गया, लेकिन योगी जी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे, अगर नेक टू नेक स्थिति रहती तो मुझे लगता है कि योगी जी किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं भी, अभी तो गुंजाइश है, बहुत कुछ गुंजाइश हो सकती है। देखिए छत्तीसगढ़ में छोटे दलों का अस्तित्व रहा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी पिछले बार 90 विधानसभा में चुनाव लड़ी थी, 84 सीटों में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, आज भी कमोबेश वही स्थिति है। 35 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहूंगा 30 से अधिक सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। भारतीय जहां तक योगी जी की पार्टी का सवाल है वो 55 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 50 के आसपास उन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये छोटे दल के लोग केवल अपनी जमानत बचाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार बनाना इनके ये बहुत दूर दूर की बात है। कहीं पर भी ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित नहीं होगी कि इनकी आवश्यकता किसी को पड़े, हम लोग पहले दिन से यह बात कह रहे हैं और आज वो बात प्रमाणिक रूप से जनता ने साबित कर दी। जनता का जो विश्वास रहता है, जनता अपने वोट का जो उपयोग करती है बहुत सोच समझ कर करती है, ऐसे वोट का दुरुपयोग नहीं करती, ऐसे दलों को वोट नहीं डालती जिसका कोई अस्तित्व वर्तमान परिस्थितियों में दिखाई देता हो। यदि ऐसी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में वो निर्मित कर पाते, क्योंकि उनके पास ना तो चुनाव चिन्ह था न कोई ऐसी परिस्थितियां थी, वो लोग हमेशा किसी न किसी का सहारा लेकर काम करते थे। पहले वो कहते थे कि 72 सीट चाहिए, कभी वो अपनी अपनी बातों से पलटते रहे, कभी यहां से चुनाव लड़ूंगा कभी वहां से चुनाव लड़ूंगा, कभी पत्नी को कांग्रेस पार्टी में रखते थे, अपनी बहू को बहुजन समाज पार्टी। अनोखी टाइप की एक पार्टी हमने देखी कि एक परिवार के अंदर में कोई भी सामंजस्य परिवार के अंदर में भी नहीं रहा, पत्नी अलग
अलग बात करती थी, बहू अलग बात करती थी, दूसरी पार्टी में चली गई। कभी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं कसडोल से चुनाव लड़ूंगा, कभी राजनांदगांव से लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा, कभी लड़ूंगा। तो ये सब चीजें जो कमोबेश बनी, उससे कार्यकर्ताओं में जो है उनके जो कार्यकर्ता धीरे धीरे टूट गए, और जो लोग थोड़े समय तक जुड़े हुए थे नाराजगी के कारण वो वापस कांग्रेस में आ गए। इसका भी लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला, और इस चुनाव के बाद तो पूरा अस्तित्व सब छोटी पार्टी का समाप्त हो जाएगा। जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी सोच के चल रही थी कि अजीत जोगी के लड़ने से भाजपा को फायदा होगा, तो यहाँ पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई। जितना ज्यादा जोगी की सीटें कम हो रही, वैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ रही, भाजपा की सीटें नहीं बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि जहां जहां जोगी का कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया, वहां वहां कांग्रेस को फायदा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नहीं, 2003 में विद्याचरण शुक्ल का फैक्टर था, 6% वोट उन्होंने काटा था। 2008 में चाव का जो इम्पैक्ट रहा वो आप भी जानते हैं। 2013 में जोगी जी हेलीकॉप्टर लेकर उड़े और क्या स्थिति बनी वो आप भी जानते हैं। तो हर चुनाव 3, 8, 13 में क्या स्थिति रही, क्या नीति हुआ वो आप जानते हैं। लेकिन 2018 का जो पूरा समीकरण था, तमाम राजनीतिक पंडित जो थे वो इसका ठान नहीं लगा पाए कि आखिर स्थिति क्या निर्मित हो रही है। और यहाँ पे तमाम एग्जिट पोल को तोड़ते हुए भी परिणामों के सामने है। जी हाँ, निश्चित रूप से गांधी जी, देखिए ये जो परिणाम अभी तीनों राज्यों के अभी हम देखें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो एग्जिट पोल जो बता रहे थे उसके जब विपरीत परिणाम देख रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल ये बता रहे थे छत्तीसगढ़ को लेकर के सभी कमोबेश आश्वस्त थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मगर छत्तीसगढ़ में ही भाजपा की स्थिति सबसे अधिक कमजोर दिख रही है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति भाजपा की है। राजस्थान, जहां पर स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनने की बहुत लंबे अंतर से बात कर रहे थे, वहां भी भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, मगर छत्तीसगढ़ में अभी जो स्थिति दिख रही है वो बहुत ही उससे विपरीत स्थिति दिख रही है। और देखिए जैसे जैसे परिणाम अभी आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस, मैंने जो अभी बोला ना कि कांग्रेस की सीटें बढ़ रही है और भाजपा की सीटें कम हो रही है, तो ये एक जोगी फैक्टर को लेकर के कारण भाजपा चल रही थी कि जोगी जो है वो हमको वापस पुनः सत्ता में ले जाएंगे, जैसे पिछले दो बार लेके आए वैसे इस बार भी लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार अजीत जोगी की पार्टी अलग बनाने से और उसके साथ साथ उनकी पार्टी की जो स्थिति लगातार रही है, उनकी पार्टी के लोग जिस तरीके से उनको छोड़ के जाते रहे हैं, उनके पार्टी के जो चाहूंगा कि कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस की तरफ से हर संभाग से एक बड़े चेहरे को, बड़े नेता को उतारा गया और उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। क्या लोगों को ऐसा लगा कि उनके संभाग से उनके क्षेत्र का व्यक्ति सीएम हो सकता है? लिया जाए खुद लोगों ने वोटिंग भी की और ये परिणाम इसको इंगित करता है। जैसे आप देखिए चरणदास महन को सिद्धू जी ने वहां पे उनको सीएम प्रोजेक्ट कर दिया था, जिस पर काफी चर्चाएं हुई। भूपेंद्र बघेल को पाटन में कर दिया गया, रामदास सावत उनके संभाग से आते हैं, अंबिकापुर संभाग से पीएस साहब आते हैं, तो क्या एक ये भी समीकरण काम किया गया कांग्रेस के फेवर में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये समीकरण कांग्रेस के फेवर में काम किया होगा। देखिए अभी जो रिजल्ट है वो तो ये बता रहे हैं कि ओवरऑल कांग्रेस से एक तरफा अभी तो चल रही है यहाँ पर। लेकिन मुझे आपको बात बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, हालांकि ये बात जरूर है कि ये सभी लोग मुख्यमंत्री के कहीं कहीं दावेदार हैं, मगर कांग्रेस का जो अभी तक का इतिहास है उसमें ये स्थिति बनती चली आई कि जो दावेदार रहते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और कोई तीसरा ही व्यक्ति आकर के जो है मुख्यमंत्री बन जाता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार भी वही स्थिति बने कि ये सारे लोग यदि आपस में लड़े तो हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए। तीसरा व्यक्ति केंद्र से भी छोपा जा सकता है। छावड़ा जी, मैं उसी प्रश्न पे आता हूँ कि हर संभाग से आपके पास में एक मजबूत नेतृत्व नजर आया, तब ये कुछ वजह रही क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का ये आंतरिक रणनीति का हिस्सा था। जब पूरे विरोधी राजनीतिक दल, छत्तीसगढ़ का मीडिया और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विश्लेषक बार बार ये सवाल करते थे कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो हम लोग आंतरिक रणनीति के तहत उनको ये बात नहीं बताते थे। आज मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये हमारी आंतरिक रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि इससे हमको बहुत चारों दिशाओं में लाभ हुआ। सरगुजा के लोगों ने, आम जनता ने इस बात को सोचा कि सरगुजा से मुख्यमंत्री होगा। जहां तक इसकी बात है, दुर्ग संभाग की बात है, तो यहां पर हमारे पास चेहरा था, चरणदास महन जी का चेहरा था, तो आसपास की सीटों में उसका हमको फायदा मिला। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री चेहरे की बात जहां तक हो रही है, तो इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर मिला। वहां की जनता ने यह सोचा कि आप दिल चढ़ा करके बता देना कि आपने सोचा था कितनी सीट आ जाएगी, जो सीट अभी दिख रही है, जो आंकड़ा जो दिख रहा है, नहीं, हम लोगों ने अपने मन में जो बात सोच के रखी थी वो आज इस बात को कहना अभी क्योंकि आंकड़े पूरे आए नहीं है, उसके बाद भी जब ये परिस्थितियां निर्मित होती थी और हम लोग दौरे में जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, चुनाव के दौरान जब हम लोग मैदानी इलाकों में गांव गांव तक गए हैं, तो वहां पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष था।
चाहे उनके मंत्रियों के खिलाफ रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ रहा हो, चाहे सरकार के खिलाफ रहा हो, वातावरण धीरे धीरे निर्मित हो गया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनकी लफ्ज को टटोला कि किसान क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, महिलाएं क्या चाहती हैं, आम जनता क्या चाहती है। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की एंटीकंबेंसी भी छत्तीसगढ़ में आई है क्योंकि यहां के व्यापारी वर्ग भी नाराज हुआ है। जो गलतियां केंद्र सरकार ने की उसका भी दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में भुगतना पड़ा है। और ये सीधे तौर पर इसको देखा जा सकता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और ग्रामीण अंचलों में भी कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। पहले 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में ये स्थितियां नहीं थी, लेकिन अभी तो एक तरफा जिसको आप सुनामी आपने कहा है, साधना न्यूज में जो सुनामी की बात कही है, मैं उसको पूरी तरह सहमत हूं कि एक पूरा वातावरण एक बहुत ही तेजी के साथ में बना और वो वातावरण जो है आज आम जनता ने दिखा दिया। और हम आम जनता को, छत्तीसगढ़ की आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसी सरकार जिसने वास्तव में उनकी लक्ष्य को नहीं पहचाना और कांग्रेस ने पहचाना उसको आज विश्वास व्यक्त किया। मनीष गोरा जी, आपने यहाँ की लक्ष्य को काफी करीब से देखा है, आप यहाँ के धड़कन को भी समझते हैं, आपकी समीक्षा काफी सटीक रहती है और आप तमाम पहलुओं को देखते हैं, समझते हैं। मैं एक बात समझना चाहूंगा, जब भी लहर चलती है या सुनामी चलती है उसमें सारे मुद्दे, सारे बिंदुवार जो चीजें होती है, तमाम फैक्टर, तमाम चीजें वो गौर हो जाती है और सिर्फ एक ही लहर ही काम आता है, चाहे सेंटर में मोदी जी की सरकार हो और चाहे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की जो स्थिति नजर आ रही है। जी निश्चित रूप से गांधी जी, इस बात से मैं आपसे सहमत हूँ कि एक लहर को बोला जा सकता है, लेकिन आप देखिए कि जैसा अभी महेश हावा जी ने कहा, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, यदि आप केवल घोषणा पत्र को लेकर बात करते हैं या जैसा लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो है वो किसानों का कर्ज माफ करने की बात करी है, तो मुझे लगता है कि वो होता तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस जैसा परफॉर्म करती, लेकिन अभी आप देखें ओवरऑल जो पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले, सभी जिलों में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करते चली आ रही है। और मुझे लगता है कि यदि इस चीज को मेंटेन करके रखेगी आगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में जो है अभी तक का सबसे बड़ा बहुमत मेरे को दिख रहा है शायद छत्तीसगढ़ में गांधी जी, अब तक सबसे बड़ा बहुमत कांग्रेस को दिख रहा है। भाजपा भी इतने बड़े बहुमत के साथ में नहीं आई है, जिस समय योगी जी जो है वो इतने योगी जी के खिलाफ इतना आक्रोश था उस समय भाजपा को इतनी सीटें नहीं मिल पाई थी। और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के भी जो तमाम डेटा जो आंकड़े आ रहे थे उससे बहुत आगे निकल गई है ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल वो दिख रहा है सामने की जो अभी जो परिणाम दिख रहे हैं अभी तक के 66 सीटें हैं, यदि इसमें से 2-5 सीटें आप कम नहीं करते तो 60 सीटें होती है। मुझे लगता है कि एक बड़ा गैप है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो ये एक अच्छी स्थिति और अभी तक का सबसे बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास आ रहा है। मुझे लगता है कि जनता ने कांग्रेस के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही है और इन्होंने जो 3 वादे किए थे उसको पूरा करने का बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने आ रहा है, क्योंकि सरकार की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है वो इस बात की नुमाइंद नहीं करती कि किसानों का कर्ज कैसे माफ होगा, बेरोजगारों को भत्ता कैसे, 15,000 करोड़ साहब, 15,000 करोड़ का एक इनको बजट है। मैं कोई चीज बोल रहा हूँ, सरकार की जो वर्तमान स्थिति है और केंद्र की जो है विपक्षी दल की सरकार है, तो इन परिस्थिति में और आने वाले समय में सामने में जो है लोकसभा के चुनाव में जो एक बड़ा टास्क है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को यदि इन 3-6 राज्यों में सरकार बनने से फायदा मिलेगा तो हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान भी मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं महेश हावा जी से इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कैसे कांग्रेस इन बड़े वादों को पूरा करेगी, कैसे बिजली बिल माफ करेगी, कैसे किसानों का कर्जा माफ करेगी, और जैसा कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किस प्रकार वो जो 50 लाख बेरोजगारों को प्रति माह 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने। कुल मिलाकर इसमें बजट ही 30,000 करोड़ के आसपास लग जाएगा, मतलब का बजट का 1/3 ही आप मान लो, क्योंकि अभी 85,000 करोड़ के आसपास 1,00,000 करोड़ का भी अगर बजट लेके आते हैं तो 1/3 बजट कमों की स्थिति एक बहुत विकृत परिस्थिति है को फेस करना, जिसे अचीव करना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। मैं लिखा है, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हमको टास्क दिया, उन्होंने कर्नाटक में जब सरकार बन रही थी तब भी ये बात कही थी कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, पंजाब में सरकार बन रही थी तब भी कहा था, और दोनों राज्यों में हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वही मुख्यमंत्री यहां पर छत्तीसगढ़ में रहेगा जो किसानों का कर्जा माफ करेगा। तो हम लोगों को सत्ता में बैठने दीजिए, 4-6-8 घंटे का समय और बचा है, निश्चित रूप से हमारा जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो हमारी सरकार बनेगी, हमारे मंत्रिमंडल बनेगा, हमारे लोग वहां काम करेंगे, तो जो वादे हमने छत्तीसगढ़ में किए हैं वो केंद्र सरकार में किए गए वादों के अनुरूप नहीं रहेंगे, हमारे वादे पूरे होंगे क्योंकि हमने इन वादों के आधार पर सत्ता पाई है, और यदि इन वादों को हम पूरा नहीं करेंगे तो जनता
खुद सबक सिखाने में देर नहीं लगती, लेकिन हम जो जो बातें कहे हैं, जो जो वादे जनता से किए हैं, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। क्योंकि अभी सरकार बनी नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी कि उसको कैसे पूरा करना होगा, कैसे पूरा करेंगे। लेकिन मैं रणनीति को समझना चाहूंगा कि ये जो परिस्थिति है, तमाम विषम परिस्थिति आपके साथ में थी, लेकिन तमाम विषम परिस्थिति के बीच में ऐसी कौन सी लौकिक किरण आपको नजर आई कि आप यहाँ पे इस परिस्थिति में उभरते चाहे उभरते सामने आते और जनता का जनादेश आपके पक्ष में रहता, क्या था वो रणनीति? देखिए, बहुत सारी बातों को जोड़कर एक रणनीति, वृहद रणनीति बनती है जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। पहली बात यह कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आक्रामक बनाया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो गलतियां थी, छोटी छोटी गलतियों को भी आप लोगों के माध्यम से हमने जनता के बीच में रखा। चाहे वो शराबबंदी की बात देख ले, चाहे आग पड़वा कांड की बात देख ले, चाहे दरवाजा निकालने की बात देख ले, चाहे नक्सल बढ़ते नक्सलवाद की बात देख ले, लगातार जो छोटी छोटी गलतियां थी, नान घोटाले की बात देख ले, डॉक्टर रमन सिंह के परिवार के लोग किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उन सब चीजों को हम लोगों ने खुलासा लगातार करते रहे और मीडिया के माध्यम से आम जनता तक इस बात को पहुंचाने में पूरी तरह सफल रहे। दूसरी बात, हम लोगों ने घोषणा पत्र बहुत लुभावना बनाया जो आम जनता को पसंद आया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि जो हम लोगों को चुनाव में लगातार दो चुनाव में हरवाते रहे हैं, उनको हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया। उससे हम लोगों को ये सब चीजों को जोड़कर हम लोगों को सीधे तौर पर फायदा हुआ और ये सब हम लोगों की रणनीति का हिस्सा रहा है। लेकिन रणनीति का खुलासा चुनाव में पहले नहीं किया जा सकता, इसलिए कई सारी बातें हम लोगों ने सार्वजनिक नहीं की। लेकिन उस पर हम लोगों के एक एक कार्यकर्ता, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने तन मन और धन से काम किया है और लगातार सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है। उसके कारण छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां बनी और सरकार के खिलाफ एक माहौल धीरे धीरे तैयार हो गया, जिसको सरकार ने भी उस नब्ज को नहीं टटोल पाए कि इस तरीके से ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उनके मंत्री इस तरीके से लगातार गलतियां कर रहे थे, आम जनता का शोषण कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं करना चाहते थे। समयदानी कार्यकर्ता जो उनको समय दे रहे थे, उन समयदानी कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनकी रिपोर्ट पर कोई काम नहीं हुआ। एक बड़ी चैलेंज की बात थी कि आपने समयदानी कार्यकर्ता बनाए, समयदानी कार्यकर्ताओं को 365 दिन का टारगेट दिया, लेकिन उनको पांचवें दिन वो जब ये बता रहे हैं कि यहां की स्थिति खराब है तो उसको पार कर दिया गया, उन लोगों को से काम नहीं लिया गया। जो निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वो घर में बैठ गए। कई ऐसी परिस्थितियां हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो है पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, उसका भी लाभ हम लोगों को मिला। तो आप देखोगे कि पूरे चुनाव के दौरान, चाहे आप सरद पांडे की बात देख ले, चाहे रमेश दास की बात देख ले, चाहे नंद कुमार की बात देख ले, ये लोग कहीं पर भी सभाएं नहीं किए, ये लोगों ने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। तो इससे ये सब चीजों को जोड़कर देखा जाएगा तो सरकार पूरी तरह से विफलता के रास्ते पर चल रही थी, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिला। नहीं, ये तो रणनीति का हिस्सा मैंने पहले आपको बताया, उसके साथ साथ में ये लोगों ने जो गलतियां की, हमने जो काम किए, हम लोगों ने जो आंदोलन किए, हम लोगों ने जनता के बीच में पहुंचकर उनकी बातें की, तो जनता ये सोचने लग गई, हम छत्तीसगढ़ का आदमी सोचने लग गया कि कांग्रेस पार्टी हमारी बात उठा रही है, तो उसका लाभ तो मिलेगा। कुछ शब्दों से चीजें निकाल कर पूछना चाहूंगा, ये क्या भाजपा की गलती का ये परिणाम है या कांग्रेस की ठोस रणनीति का परिणाम है? देखिए, मुझे मैं एक चीज ये पहले भी मैंने कहा कि कांग्रेस ने इस बार जो चुनाव लड़ा है उसमें चुनाव में कई चीजों में कांग्रेस दब रही है, चाहे प्रबंधन की बात को लेकर के चले, चाहे हम लेकिन प्रबंधन के मामले बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, कहते किस तरह से काम होता है वो उससे आप बहुत बड़ी भाभी वाकिफ है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। मैंने ये नहीं कहा कि भाजपा का प्रबंधन अच्छा नहीं है, मैंने कहा कि कांग्रेस का प्रबंधन पिछले बार की तुलना में इस बार अच्छा रहा है, कांग्रेस ने बेहतर प्रबंधन किया है। जो प्रबंधन होता है, जो जबरदस्त प्रबंधन होता है, किलेबंदी की प्रबंधन होता है, उस प्रबंधन को भी यहाँ सभी को भी का काम किया कांग्रेस ने, मतलब आप ये कहना चाहते हैं अपने प्रबंधन। नहीं, मैंने वो बात नहीं कही, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो प्रबंधन था पिछले, मैंने इसके पहले भी जब मैं बता रहा था तभी मैंने इस बात को कहा था कि कांग्रेस का प्रबंधन पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अच्छा रहा, कांग्रेस ने प्रत्याशी अच्छे लेके आए, कांग्रेस पर घोषणा पर अच्छा था। ये चीज तो मैंने पहले मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने डेढ़ वर्ष दो वर्ष पहले से जो कार्यकर्ताओं का जो हम लोगों ने ट्रेनिंग कैंप रखा, कार्यभूत स्तर पर हम लोगों ने जो कमेटियां बनाई 2008 और 13 में, ये कमेटियां हम लोगों की इतनी कारगर साबित नहीं हुई थी। जो इस चुनाव में राहुल गांधी जी ने हम लोगों को निर्देशित किया कि अंतिम कार्यकर्ता तक आप लोगों को अपनी बातों को पहुंचाना है, और जो हम लोगों ने उन लोगों को लगातार 90 विधानसभा में ट्रेनिंग दी, बूथ कमेटियां बनाई, जोनल सेक्टर
और इंचार्ज हम लोगों के जो रणनीति थी वो एक हिस्सा छूट रहा था जो मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा था कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर में जो वातावरण बना कि हमको भी जवाबदारी मिली है, हमको भी जवाबदारी मिली है, मैं भी कांग्रेस हूं, मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और एक नारा भी हमने दिया कि वक्त है बदलाव का, तो कार्यकर्ताओं ने वक्त है बदलाव के नारे को पहुंचा दिया, परिवर्तन का नारा एक नारा तो काम आता है। आपने अध्ययन था करने के लिए, लेकिन मैं एक चीज पे और आता हूँ कि कांग्रेस ने उस भवन का भी बदलाव किया जहां से लगातार हार रही थी और उस भवन में गए जो दम नए नवेले तरीके से फाइट करने के लिए तैयार था, क्या इसका भी एक इम्पैक्ट रहा क्या? देखिए ये सब चीजें तो अब वास्तु और कला ये सब चीजें तो जब जैसे जैसे हुआ था ये चीजें होते जाती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन को मैंने खराब नहीं कहा था, मैं अभी उस बात को फिर कह रहा हूँ भारतीय जनता प्रबंधन खराब था। कांग्रेस देखिए ये जो भी बातें आज चाहे मैं सवाल इसको बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर के जानता हूँ कि चाहे वो बूथ लेवल पर कमेटी बनाने की बात हो, चाहे एक जवान दल मतदान और इस तरीके की जितने भी चीजें बनती है मैं इस चीज को बहुत करीब से जानता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब चीजें चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा ये केवल काजू में रहती है, जनता जो है वो जब एक बार मूड बना लेती है अपना तो उस हिसाब से वोट करती है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो शांति दिख रही थी जनता के और इसी तरीके की शांति चाहूंगा आपके विचार चाहूंगा कि जो अन्य पार्टियां थी बीएसपी और जो की महागठबंधन के बाद आप गुंडवाना गणतंत्र पार्टी समाजवादी पार्टी क्या इन्होंने बीजेपी को डैमेज किया? ये मुझे ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगता है कि देखिए मैंने इसके पहले भी शायद अपन बैठे थे तब आपने मुझे कहा था कि तीसरे दल की स्थिति, मैंने कहा था कि देखिए तमाम राजनीतिक पंडित इस बात को बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तीसरे दल की स्थिति रहेगी, लेकिन देखिए अभी जो परिणाम दिख रहे हैं इस बात स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तीसरे दल की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है, तीसरा दल कोई बहुत ज्यादा डिसाइडिंग स्थिति में नहीं है, तो ये चीज स्पष्ट दिख रही है यहाँ पर। और ये जो जितने भी आप दलों की बात करें इन दलों की कोई उपस्थिति मुझे बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। अक्सर ये कहा जाता रहा छत्तीसगढ़ में कि बस्तर जो है वो सत्ता की कुंजी है, सत्ता की चाबी है बस्तर, लेकिन मुझे इस समय नजर आ रहा है कि दुर्ग और रायपुर संभाग एक तरफा कांग्रेस को लीड देती नजर आ रही है, दुर्ग और रायपुर संभाग मुझे लगता है कि इसी की बदौलत सरकारी ब्लॉक नजर आ रही है। निश्चित रूप से रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग जो है वो हम लोगों को बढ़त बनाए हुए, लेकिन बस्तर में भी हमारी स्थिति कमजोर नहीं है। आपको पास होने से कुछ तो था नहीं, नहीं हमारे पास मजबूती नहीं नहीं, आठ सीटें हमारी पास थी और आठ सीटों को संभाल के रखना और उसके आगे भी बढ़ने का प्रयास हम लोगों को जो करना था, तो अभी भी हम लोग मेरी जानकारी में वहां पर 10 सीटों पर शायद आगे चल रहे हैं क्योंकि अभी चौथा पांचवा राउंड चल रहा है, इसलिए अभी एकदम से सीटों का आंकड़ा नहीं कह सकता, लेकिन रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में क्लीन स्वीप मिला हम लोगों को। आप देख लीजिए यहाँ पर मैं केंद्रीय यहाँ पर जो कैबिनेट के मिनिस्टर है उन लोगों की स्थिति भी खराब है, पहले राउंड में तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी पीछे चल रहे थे फिर वो अभी शायद आगे चल रहे हैं, लेकिन जो मंत्रियों के खिलाफ वातावरण था ना वो राजधानी से बहुत तेजी से फैलता है क्योंकि राजधानी का जो मीडिया है चाहे साधना न्यूज की बात देखें आप लोग इस तरीके से आक्रामक होकर सच्चाई को सामने रखते थे, उससे हम लोगों को बेहद प्रसन्नता होती थी कि कम से कम सामने सच्चाई सच की बात को रखने वाला भी कोई चैनल होता है, तो साधना न्यूज को मैं बधाई दूंगा कि वो समय समय पर ऐसी बातों को भी उठाता रहा है और आप लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं ग्राउंड लेवल पर उसका भी जो है वो हम लोगों की आवाज को जिस तरीके से आप जनता तक पहुंचाते हैं उसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, विशेष तौर पर साधना न्यूज को बधाई दूंगा। जनता की जो आवाज है जो जनादेश है उसका सम्मान तो हर दिन करता है, हम तो जनता के मीडिएटर है, जनता की बात को सत्ता तक पहुंचाना है और सत्ता की बात को जनता तक पहुंचाना है, हम मिडिलमैन की तरह काम करते हैं और लिहाजा बहुत सारी जो चीजें होती है उसमें क्रॉस क्रॉस चलती रहती है। मनीष जी मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिस तरह से अपनी बात पहुंचाने में सफलता हासिल हुई है बहुत तेजी के साथ उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया जनता तक, सर इसलिए ये परिणाम और भी बेहतर है। जी निश्चित रूप से गांधी जी, देखिए इस बार मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जिस चीज को लेकर के जिस चीज में आगे आगे देखिए सोशल मीडिया में आप देखेंगे पिछला लोकसभा चुनाव जिसमें मोदी जी इतने बंफार बहुमत के साथ में केंद्र में बैठे उस समय उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग किया था, मगर इसमें कांग्रेस पूरी तरीके से पिछड़ी हुई थी। इस बार देखिए छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया में जो है कांग्रेस अग्रेसिव रही है और उस अग्रेसिव में तो उसका फायदा भी उसको दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस जिस तरीके से अपनी बात को आम जनता तक पहुंचाना था उसको पहुंचाना कि निश्चित रूप से कामयाब हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं थोड़ी सी पिछड़ती नजर आई सोशल मीडिया में भी वो थोड़ी पीछे दिखी मुझे, जिस तरीके से कांग्रेस अग्रेसिव थी उसका जो जवाब जिस तरीके से देना चाहिए था उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी मुझे नजर नहीं आई। बात नहीं नहीं सोशल मीडिया में खेल की भाषा में बहुत सारी चीजें कही गई साहब, अंतिम बॉल में भी शिक्षा लग सकता है रमन सिंह का कहना है, मुझे लगता है अंतिम बॉल में शिक्षा लगने की गुंजाइश है क्या महेंद्र साहब जी? डबल सिक्स का आंकड़ा दिखाया जा रहा है पता नहीं किसके लिए लगा है वो तो वही बता पाएंगे। आपके तरफ से गेंदबाजी कौन कर रहा था मेरा तो ये सवाल रहेगा,
क्योंकि रमन सिंह बल्लेबाजी तक सिक्स मार सकते हैं, आपके तरफ से जल्दबाजी तो मोर्चा कितने? देखिए हमारे अध्यक्ष जी ने उनको कहा है कि सिक्स मारने की उम्र नहीं है, सच है, वो फिट विकेट हो सकते हैं कहा है, लेकिन बॉल नहीं हो सकता है साहब, वो बॉल। अब परिस्थितियां तो इस तरीके की बता रही कि हिट विकेट हो गया है, और शाम तक और भी क्लियर हो जाएगा, हम लोग फिर साधना न्यूज में बैठेंगे शाम को, तो फिर इस बात की चर्चा करेंगे कि हिट विकेट हुआ कि सिक्स मार पाए कि नहीं मार पाए, क्योंकि परिस्थितियां नहीं बता रहा है। दिख रहा है दोनों में, आप जहां सिक्स मारने की बात करें, मुझे लगता है कि सिक्स मार भी देंगे तो 18 और 24 तक जाएंगे, उससे ऊपर जाने की मांग तो है, तो सिक्स मारने की बात करें तो कांग्रेस में एक बड़ा तीन महीना से भी ज्यादा का है, 9 ओवर का भी सिक्स होता है साहब, 9 ओवर भी रह जाए और एक और 2 ओवर रहेंगे तो भी कितने हम अठारह रहेंगे, बीजेपी भी पीछे से अगर बैकअप सपोर्ट कर ले तो नहीं, अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि छोटे दल की जो भूमिका है वो अब 6 में आ गई है, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 या 5 में अटक जाएगी, तो ये वाली भूमिका भी एकदम नीचे हो जाएगी, और वो वाली भूमिका जो तमाम किदवंती थी, मैं किदवंतियों को आना चाहूंगा कि हैंग असेंबली, जोगी जी किंग मेकर, ये तमाम किदवंतियों पर विराम लग गया है मनीष जी। यह निश्चित रूप से गांधी जी, इसके पहले ना मैं थोड़ा पहले भी बोला था, उसके पहले हम दोनों पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले भी चर्चा किया, तब आपने मुझे कहा कि तमाम राजनीतिक पंडित मंत्री मनीष जी इस बात को बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तीसरे दल का राजनीतिक रहेगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, वो सरकार देखती बनेगी, ये डिसाइड करेगा, तो उस दिन भी मैंने इस बात को सीधे से इनकार किया था कि गांधी जी देखिएगा परिणाम जब आएंगे तो ये चीज सामने दिखेगी, और आज उसी दिख रही है, कहीं भी तीसरे दल का अस्तित्व नहीं दिखा है, आज यदि ओवरऑल परिणाम जब देखने जाएंगे तो इसके पुराने के दो पार्टी जो जल है, दो तीन पार्टी सबसे बड़ा तीसरा दल के रूप में जो आए वो सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार, सबसे बड़े तीसरे दल के रूप में, भले वो 2 सीटों पर 3 सीटों पर या 4 सीटों ये मैं नहीं बोलता, लेकिन सबसे बड़े तीसरे दल के रूप में वो दिख रहे हैं सामने, इसके पहले बसपा 1 या 2 रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 3 सीट मतलब थोड़े दल के रूप में तीसरे दल के रूप में दिखेंगे जो कि वहां पर एक ही गलती और भी टूटेगी, जिस गलतियों की मैं बारे में चर्चा कर रहा था, कहा यह जाता है कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव हारते रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी चुनाव हारते रहे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जीत ही नहीं है बल्कि सरगुजा में कांग्रेस द्वारा अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, मैं मुझे लगता है कि सब गलतियां बहुत सारी टूटेंगी, किदवंतियों का समय तो चला गया क्योंकि परिणाम भी दिखाई दे रहा है, कोबा में जिसकी पार्टी सीट रहती है जीत रहती है वो सरकार नहीं बना पाती, कई सारी रहती थी, इसीलिए मैंने कहा कि सारी किदवंतियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जनता की किदवंतियां चलती है, जनता जो चाहती है, राम जाने यूपी वाला भी किदवंती है, नहीं नहीं इसमें रहे हैं शायद सरकार की नहीं बनी, अब कौन जीतेगा, तो आपने बाहर मतलब बाहर तो चली गए, नहीं ऐसा अगर मान लो अपन किदवंतियों को लेंगे तो अगर आप मानते भी नहीं इन सब चीजों पे, नहीं मानना नहीं मानना अलग विषय है, लेकिन 5-7 चीजों को अलग अगर जोड़ के देखेंगे तो यहां पर ऐसा होता था तो ऐसा होगा, वहां पर ऐसा होता था तो ऐसा होगा, क्योंकि ये पूरी आते भी तो एक शतरंज की विषाद है जहां पे आप तमाम प्यादे फिट करते हो साहब, निश्चित रूप से करते हैं, और हम लोगों की रणनीति रही है, चुनाव में हमारा प्रबंधन रहा है, हमारा नेतृत्व रहा है, हम लोग मनीष बोरा जी समझ लेता हूँ क्या, मनीष बोरा जी राम जन यूके जी का जाना कांग्रेस से, कहा यह जाता है कि राम जन यूके जी जिस पार्टी में रहे उसकी सरकार ही नहीं बनती थी, देखिए अभी तो जो परिस्थितियां हैं वो सारी तमाम जुटाते हुए जो है वो दिखाया, मैंने इस बात को कहा दिखा रहा जी की प्रत्याशित परिणाम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, और वो शायद चौका भी दिया छत्तीसगढ़, लेकिन बिल्कुल मैंने कहा ना कि तमाम राजनीतिक पंडित जो आपने मुझे उस दिन कहा था, मैं उसको फिर तीसरी बार दोहरा रहा हूँ इस डिबेट में, कि तमाम राजनीतिक उनको आकलनों को भविष्य क्या बता रहे हैं, ये तमाम जो नतीजे हैं 5 राज्यों के, देखिए ये एक मैंने इसके थोड़ा देर पहले इस बात का जिक्र किया कि मोदी जी का जो भविष्य है वो इन 3 राज्यों से डिसाइड होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, हालांकि ये तीनों बहुत बड़े राज्य हैं और ये वो राज्य हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर में अपनी पैठ बनाने के प्रयास के लिए हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा खासा जनाधार था, तो मुझे लगता है कि वो एक जनाधार जो है वो जो खसक रहा है भाजपा के पास से, ये उसके लिए चैलेंजिंग है, और नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति में मैंने इसके पहले डिबेट में कहा था इस बात को कि बाकी ज्यादा जहां चुनाव है वहां पर भले केंद्र की नीतियों का फर्क पड़ता है, वहां पर केंद्र की नीतियों का फर्क पड़ता दिख रहा है, चाहे वो जीएसटी को ले लें आप, चाहे नोटबंदी हो जीएसटी, उसका परिणाम यहां पर उसका असर दिख रहा है, गांधी जी मैंने बोला था इस बात को कि बाकी राज्यों भले ना दिख रहा हूं, मगर छत्तीसगढ़ में इसका असर जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और इसका जो दुष्परिणाम है वो रमन सिंह को झेलना पड़ रहा है सामने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज ही देखिए आप जितने भी आज सुबह तक की जो लोगों के वॉक थ्रू स्टेटमेंट आ रहे थे उसमें रमन सिंह ही छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद कर रहे थे, लेकिन
उनको जो नुकसान हुआ है वो केवल नरेंद्र मोदी का आप देखेंगे इस पूरे छत्तीसगढ़ में, मेरे ख्याल से 3 या 4 सभाएं नरेंद्र मोदी जी ने करी है मात्र, बाकी डिबेट कर रहे तब से वो आंकड़ा आता है खैर कर गया है, डबल सिक्स मतलब डबल छक्का लगा रही है। हाँ बिल्कुल 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 दिख रहा है वो सामने से, उससे आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है वहां, एकदम मुश्किल होकर रह गई है वो आंकड़े जो है। तो मैं वही बोल रहा था कि अभी जो वर्तमान स्थिति उसमें केंद्र की जो और स्पेशली जो नरेंद्र मोदी की जो लहर थी वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। इस बार नरेंद्र मोदी जो है पूरी पिक्चर में छत्तीसगढ़ से विशेष कर मैं बोल सकता हूँ इस बात को, उन्होंने केवल 4 सभाएं करी है छत्तीसगढ़ में, 3 या 4 सभाएं, मैं एकदम एग्जैक्ट मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है। तो उसका देखिए यहाँ पर रमन सिंह जो है वो पूरे 90% में प्रचार किए हैं, एकमात्र चेहरा इसके पहले के भी 2 चुनाव में आप देखेंगे तो उसमें भी केवल 50% में भी जो महेंद्र छाबड़ा जी की जो वो हेलीकॉप्टर का वोट फैला हुआ था उसमें भी काफी डिबेट हुआ था कि एक तरफ ज्यादा 50% आ रहा है और कांग्रेस 50% में पीछे होती जिंदा जा रही है, पीछे होते होते साथ आप आगे निकल गए, कुछ भी विचार करिए नहीं ऐसी बात है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास की सरकार थी और हेलीकॉप्टर और तमाम सुविधाएं सरकार के माध्यम से उनको मिलती रही है, हम लोगों ने तो सड़क में जाकर किया, सड़क मार्ग से हम लोग दौरा करते थे ज्यादा से ज्यादा और आम जनता तक पहुंचते थे, उसका लाभ भी हम लोगों को मिला। बालदास जी को भी लेकर साथ में घूमे आप, बालदास जी को सतनामी वोट बैंकिंग की बात करें तो पिछली बार किसान गया था आपसे, देखिए मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों ने ऐसी कोई भी कोना नहीं छोड़ा जहां पर जरा सी भी हमको गुंजाइश दिखी कि इसका भी हमको थोड़ा सा लाभ मिल सकता है, तो हमने उसका पूरा उपयोग किया, उसको पूरी अपने साथ रखा, उसको जोड़कर फायदा लिया। एक फाइन कमेंट लेना है कि जो नाराजगी थी कुछ वर्गों की समाज को उसको साथ दे, बीजेपी तो शायद कुछ अलग तस्वीर नजर आती। हाँ गांधी जी मैं आपकी इस बात से प्रभाग रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी इन चीजों को समझती तो वो शायद कुछ परिणाम बदल सकते थे, उनके पास में समय निकाल देखिए इस बार कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र शायद कांग्रेस ने उसको लपा लिया, कांग्रेस ने उनकी कैश कर लिया, कांग्रेस जो टीएससी गए थे मैं निशान रहा, मुझे लगता है कि सिक्स लगाने चले थे रमन सिंह जी और आपने शायद बाउंड्री के आसपास लपटने की कोशिश की है। कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और ये रुझान क्या नतीजे में तब्दील हो पाती है या नहीं ये आने वाले समय में मालूम चल पाएगा, चंद घंटों में ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। हम आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस डिबेट में शामिल होने के लिए।